So what's up people, this is Yash and welcome back to another video. I hope you all are fine. So जानता हूँ काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, बट इसके भी कुछ रीजन्स हैं. तो पहला सबसे बड़ा रीज़न है मोटिवेशन. मोटिवेशन नहीं मिल रही है यार. आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, तो सबसे पहले जाओ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे वीडियो में देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी. और दूसरा जो मेन रीज़न है, ये वीडियो मैं बनाने वाला था मोटो व्लॉगिंग पे अपने सेटअप पे, तो उसके लिए मेरे को एक चीज़ चाहिए थी जो था हमारा सी टाइप कनेक्टर, जो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा क्या है वो. तो वो मेरे को एक महीने बाद, यस लिटरली मेरे को एक महीने बाद डिलीवर हुआ है. तो फाइनली अब जाके मेरा सेटअप पूरा कम्प्लीट हुआ है. तो विदाउट फर्दर अडू जल्दी से वीडियो को आगे करते हैं और दिखाता हूँ मैं अपना मेरा जो फुल, मतलब जो मेरे को बेस्ट बजट कैमरा लगा है मोटो व्लॉगिंग के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा. बेस्ट बजट इन द सेंस के काफ़ी चीप भी नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू लाइक बजट एंड एज़ कम्पेयर टू मनी और क्वालिटी, मतलब टॉप नॉच. जो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, आप बिल्कुल ही एकदम लो लेवल से नहीं करना चाहते या फिर एकदम गोप्रो पर नहीं जाना चाहते, तो सो बेसिकली मोटो व्लॉगिंग के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले बाइक, जो बहुत ज़रूरी है. दूसरा आपका हेलमेट, हेलमेट पे तो आप कैमरा लगाओगे. तीसरा आपका एक्शन कैमरा, जो कैमरे से आप रिकॉर्ड करोगे. उसके बाद फोर्थ आता है आपका माइक. ओके, सो अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम बाइक से. बाइक तो आपने शायद इंट्रो में देख ही ली होगी. अगर मैंने वो इंट्रो एडिट कर दिया होगा तो बाइक मैंने इंट्रो में डाल ही दी होगी. मेरे पे कौन सी बाइक है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. 2009 मॉडल, 12 साल हो गए हैं उसको. हीरो होंडा करिश्मा आर वर्जन, तो वो मेरे पे बाइक है. और अभी लास्ट मंथ आई गेस मैंने एक हेलमेट लिया था, वो लिया था स्टड, वो जो पीछे रखा है, पीछे आप देख सकते हो स्टड का हेलमेट है, थंडर. इन सब का जो प्राइस है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है. तो हमारा बाइक हो गया, हेलमेट हो गया, उसके बाद आता है हमारा एक्शन कैमरा. तो एक्शन कैमरा की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी और उसकी टेस्टिंग वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर क्लिक करो और वो इस वीडियो के बाद जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो. तो उसके बाद फिर मैंने मंगाया अपना माइक. माइक है मेरा ये वाला माओना का माइक है, जो काफ़ी, मतलब आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं. तो धीरे धीरे करके आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ और इनका प्राइस रेंज के बारे में भी बताऊँगा और अपना सेटअप भी करके दिखाऊँगा आपको इसी वीडियो में. तो पूरी वीडियो देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करो और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को. एंड लेट्स गो. सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्शन कैमरा से, जो मैंने लिया था DJI Osmo. अगर आपने आई कार्ड लिंक पे आपने क्लिक करा होगा तो आपको पता चल गया होगा मेरा एक्शन कैमरा. तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, ये केस इसके साथ ही आता है, इसके साथ ये माउंट आते हैं, इसके दो माउंट आते हैं जो मेरे को अभी यूज़फुल लगे नहीं है, क्योंकि मेरा जो हेलमेट है उसका कोन शेप्ड है, तो कोन शेप्ड पे ना ये कर्व्ड वाला लग रहा है और फ्लैट वाला तो लगेगा ही नहीं. तो इसके लिए मैंने दूसरी चीज़ ऑर्डर करी है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ. तो ये अपना कैमरा का बॉक्स था, बॉक्स के अंदर इसमें यही इसमें एसेसरीज आई थी, बैटरी वगैरह ऑल. तो मेन चीज़ अपना ये कैमरा है और ये इसका कवर है, ठीक है, कवर लग जाता है. और इस पर बस मैंने दो तीन चीज़ें एडिशनल अटैच करी है, वो है ये इस स्क्रीन की लेमिनेशन, कैमरा की लेमिनेशन एंड पीछे बैक स्क्रीन की भी लेमिनेशन. ये मैंने खुद अमेज़न से ऑर्डर करी थी, आपको लिंक मैं सब कुछ, सब चीज़ का इसमें जो भी मैं वीडियो में बताऊंगा इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो माइक की बात करते हैं, तो माइक लिया है मैंने ये वाला, ये है माओना का लेवलियर माइक्रोफोन, जो सबसे ज़्यादा मोटो व्लॉगर्स यूट्यूब वीडियोस पर सजेस्ट करते हैं. मैंने भी वही लिया है और इसकी परफॉर्मेंस लिटरली बहुत अच्छी है. यह भी आगे वीडियो में हम टेस्ट करेंगे, अभी राइड पे चलेंगे उसमें फिर टेस्ट करेंगे. मैंने मतलब ऐसे ही टेस्ट कराया, बट मोटो व्लॉगिंग पूरा हेलमेट के अंदर सेटअप करके टेस्ट नहीं करा, तो जल्दी से सेटअप करेंगे. तो अभी फाइनली हमारा हो रहा है कैमरा, कैमरे के साथ हमारा माइक, ये डुअल कनेक्टर भी हटा देते हैं. इसके बाद एक चीज़ आती है जो सबसे महंगी है, मतलब छोटी सी चीज़ है और सबसे महंगी है जो मेरे को लगी, वो है ये. यस, दिस इज़ इट. इसके लिए मेरे को एक महीना वेट करना पड़ा. ये है हमारा सी कनेक्टर, सॉरी कन्वर्टर. अब मेन चीज़ क्या है, इस कैमरा में है DJI Osmo में सी टाइप पोर्ट और माइक के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है. अब मैंने ऑर्डर करा है ये सी कनेक्टर अपना, तो ये लगेगा ऐसे,
यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसमें पहले ये लगा हुआ था, लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये लगा हुआ था यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बट ये मैंने निकाल दिया है इसका कवर, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारा फाइनली हो गया है कनेक्ट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हम बाद में माइक कनेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको खोना मत, वरना फिर माइक अगर ऐसे कनेक्ट करोगे ना, लेट मी शो यू, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट सब चीज़ बताऊंगा इसमें, ए टू जेड जो भी आपको व्लॉगिंग के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी आपको। अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा ना माइक, हेलो 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 हेलो, हाँ देखो अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, बट इधर एक माइक का ऑप्शन आता है, उसमें जब भी अगर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती है तो इसमें दिखाता है माइक का ऑप्शन, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वॉइस की फ्रिक्वेंसी टाइप दिखाता है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर मैं कनेक्ट करके ये कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो और अब जूम करता हूँ मैं, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लैक एरिया में फोकस करते हैं, ठीक है, अब आई होप आपको दिख रहा होगा। अब अगर मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, हेलो हेलो हेलो, ये हेलो हेलो हेलो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइक ऐसे ऊपर ऊपर फ्रीक्वेंसी इसकी चलेगी। तो ये है हमारा माइक का सेटअप, हमारा कैमरा सेटअप हो गया, हमारा माइक सेटअप हो गया, इसको पॉज कर देते हैं। अब मेन बात आती है हमारा हेलमेट, और हेलमेट में लगाने के लिए चिन माउंट। तो सो गाइस, हेलमेट पे कैमरा लगाने के लिए मैंने यूज़ करा है चिन माउंट, ये बहुत सस्ता आ जाता है, आई गेस 200 रुपए का, एग्जैक्ट प्राइस में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इस एंगल से आई गेस आपको सही दिख रहा होगा। तो ये रहा हमारा हेलमेट, और ये रहा हमारा चिन माउंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसको लगाना बहुत ईजी होता है, जल्दी जल्दी करता हूँ, आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम लैप्स कर देते हैं इसको। लेट मी सी, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। यहाँ से मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ इनको, और ये देखो रॉक सॉलिड एकदम। तो ऐसे ही मैंने अभी ट्रैवल करा था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब सेटअप करते हैं अपना कैमरा अपना यहाँ पे सेटअप कर देंगे, तो इसका भी टाइम लैप्स कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। अब लास्ट थिंग बची है, इसमें कनेक्ट करना है हमको माइक, और माइक कनेक्ट होगा पीछे से, तो उसकी वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी सेटअप कर रखा है बट माइक मैंने सेटअप नहीं कर रखा है। और हाँ, एक और चीज़, ये जो हेलमेट है इसमें आपके होना चाहिए रिमूवेबल पैडिंग, जिसके अंदर आप इसमें माइक के वायर्स वगैरह डाल सको। तो मैं कनेक्ट करने के बाद, मतलब वायर्स वगैरह इसके अंदर डालने के बाद, फिर आपको मिलता हूँ सीधा राइड पे, और हम टेस्ट करेंगे इसकी वीडियो प्लस ऑडियो क्वालिटी। सो मिलते हैं जल्दी सेटअप करने के बाद। हेलो हेलो, माइक चेक, 1 2 3। सो वेलकम बैक पीपल। वैसे तो अभी रात हो चुकी है, वीडियो मैंने दिन में शूट करी थी बट बहुत सारा काम आ गया था, तो इसलिए फिर रात ही हो गई अभी ये शूट करते करते। बट एनीवे, अभी 1080p में शूट हो रहा होगा इसमें, और फाइनली हम लोग शूट कर रहे हैं माइक के साथ। तो मेरे को नहीं पता, अभी जो मेरा मेन कंसर्न है वो है अभी विंड ब्लास्ट का, और मेरी ही सांसों की आवाज़ का। आई होप नहीं आ रही होगी, या अगर आ रही होगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको पूरा माइक सेटअप करने में। सो अभी हम लोग निकले हैं, हम लोग क्या, अभी मैं ही निकला हूँ किसी काम से। एक्चुअली क्या है ना, वीकेंड है तो थोड़ा पार्टी करने का मूड है, तो अभी कुछ खाने वाने के लिए ले रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह, देखते हैं। ये देखो, पार्टी तो इनकी होगी भाई आज। सो यहाँ पे तो प्योर डार्क है, मुझे नहीं लगता है कैमरे में कुछ आ रहा होगा, बट हाँ माइक आई गेस सही आवाज़ आ रही होगी माइक में, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा तेज़ चलाते हैं और देखते हैं विंड ब्लास्ट आएगा या नहीं आएगा। आई होप ना आए यार, बहुत बहुत मेहनत लगी है इसमें सेटअप करने में। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मेरठ के यहाँ ओगरनाथ मंदिर के पास। ये बहुत पुराना मंदिर है, इस पर भी किसी दिन ब्लॉग बनाएंगे। किसी दिन क्या, अभी शायद हो सकता है कल ही बनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये मंदिर बहुत प्यारा सजता है जन्माष्टमी पे या फिर सावन में, इतना प्यारा सज रहा था ना। तो आएंगे बिल्कुल, यहाँ पे भी आएंगे, इसका भी ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है और काफ़ी मतलब स्टोरीज हैं इस मंदिर से। तो बस इस रूट का मैंने इसलिए चूज़ किया था, मेरे को जाना दूसरे रूट पे था, कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अब बाहर निकले हैं तो फिर वीडियो और माइक टेस्टिंग भी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा मेरठ का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। तो गाइस अभी थोड़ा ना हम पहुँचने वाले हैं, वैसे रफली आइडिया लगा लेते हैं कि मेरा पूरा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप कितना कितने का बैठा। एग्जैक्ट तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि एग्जैक्ट मेरा कितना बजट में ये सब पूरा बैठा। तो अराउंड 20,000 मेरा ये कैमरा है, DJI ऑस्मो। उसके बाद फिर मेरा 2,000 का इसका वो कनेक्टर आया, सी कनेक्टर, जिससे माइक कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद 1,600 का मैंने ये हेलमेट लिया है, जिस माइक एक्चुअली जो मैंने लिया है, जो दो माइक हैं वो मेरे बैठे हैं 800 के, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। अभी हम पहुंच गए हैं, यहाँ नहीं, पीछे जो आपने भीड़ देखी थी ना वो है। अब इस वक्त सो गाइस फाइनली जो काम होना था वो हो गया है, मतलब जिस काम के लिए मैं निकला था वो भी हो गया है। और आई होप इसकी स्टेबिलिटी भी सही रही होगी, वीडियो क्वालिटी प्लस ऑडियो क्वालिटी भी सही आ रही होगी। वैसे तो अभी मेरे को भी नहीं पता, मेरा भी होप पे ही चल रहा है, तो जब एडिट करूँगा तब तो मेरे को पता चलेगा। बट आई गेस आप लोगों का आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि अगर माइक में दिक्कत होगी तो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो माइक को, माइक की पोजीशंस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूँ एक अपने फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग फुल सेटअप के साथ लॉन्ग राइड पे, राइड नहीं एक एक्सप्लोरेशन ही बोलेंगे उसको। तो गाइस अभी स्टार्ट कर लो, अभी मैं अभी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, ट्रिप्स आएंगे, टूर्स लगेंगे, एक्सप्लोरेशन, मतलब काफ़ी कुछ आने वाला है इस चैनल पे। तो स्टार्टिंग से ही बने रहो तो फिर मज़ा आएगा देखने में भी, ग्रोथ में भी, सपोर्ट में, आप लोगों का जो प्यार मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलती है यार उससे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करो, शेयर करो अपने जिसको भी नीड है इस चीज़ की। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टिल देन बी सेफ। सो दिस इज़ यश साइनिंग आउट, पीस आउट।